ट्रॉली पे मैं ट्रॉली का था। अच्छा ट्रॉली, अच्छा मील का हाड़ा होगा 60 का, तो खेत में से निकाल देता। और मैसी, मैसी भी दूसरे के हाई में है ये, और 36-30 पहले के हाई में था। और देख लो रेस नहीं दे रहा भाई बिल्कुल भी। अच्छा उसके यार इसके तेल में कुछ अंतर लगता है? जुताई में वो की हो जाता, खा हो जाता खा ले। अच्छा जुताई पे जाते खा ले। कब दूसरे रूटावेटर पे चलाया आपने? तो कितना ले रूटावेटर पे? वो तो इस टाइम दबाया तो घुमा दे उसमें। फिर भी थोड़ा आइडिया लिया होगा। बहुत ज्यादा 1.5 लीटर ठीक है। किसान भाइयों आज की वीडियो जो है भाई ओनरशिप रिव्यू की है। आज ये इतने सारे ट्रैक्टर चले, इन्हीं में एक भाई का ट्रैक्टर चल रहा है 36-30, उसका ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं। कैसा ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस है, कैसा फ्यूल ले लेता है, और जैसे यहाँ पर और ट्रैक्टर चल रहे हैं उससे भी अगर कभी इन्होंने कंपेयर की हो तो कैसा फ्यूल लेता है उनकी कंपेयर में ट्रैक्टर, तो इसी के ऊपर अपनी आज की पूरी वीडियो है। मैं एक बार किसान भाई से परिचय करवा देता हूँ। राम राम जी, एक बार अपना परिचय करवा दो जी भाई साहब। नाम रोहित चौधरी। तेज बोलिए भाई साहब थोड़ा सा। नाम रोहित चौधरी। अच्छा जी, ग्राम अलीपुरापुरी। तो भाई साहब एक बात बताइए रोहित भाई, जैसा आपके 36-30 है ट्रैक्टर, कंडीशन देख के पहले ट्रैक्टर की कंडीशन से शुरू करते हैं। ट्रैक्टर की कंडीशन देख के कहीं से भी नहीं लग रहा, जैसा भाई ने बताया इन वाले ने, कि ये काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है, तो ऐसा क्या कारण है जो ट्रैक्टर को अभी तक आपने इतना मेंटेन कर रखा है? देख रखा है अपनी। थोड़ा लाउडली बोलियो, मतलब तेज बोलियो भाई साहब। देख रखा होगा मामला आपने। अच्छा तो मैं वही सही रखता हूँ, बढ़िया रहेगी। और क्या मतलब इस पर वो तेल लगाओ हो क्या करो जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतना पुराना ट्रैक्टर है जैसी भैया ने बताया। अच्छा चलो ये तो होगी उसकी बात। आप ये बताओ ट्रैक्टर फ्यूल कैसा लेता, तेल कैसा लेता? कंप्यूटर मांझा। कौन सी कंपनी का है? अच्छा अच्छा, तो अगर उस पर एक घंटे की बात करें तो कितना फ्यूल ले लेता है? 3-3.5 लीटर एक घंटे का। अच्छा चलो ये तो हो गया कंप्यूटर मांझे का। वैसे एक बात कह दें लोग बाग के रूटर कंप्यूटर मांझे पे 36-30 से बेस्ट ट्रैक्टर नहीं है। तो आपने इसका डेमो लिया था कहीं, या बस मन था लोगों के कहने से ले लिया के बस लोगों के? अच्छा वो नीले इंजन वाला था। अच्छा नीले इंजन वाला। अच्छा उसके और इसके तेल में क्या अंतर लगा? ये थोड़ा ज़्यादा तेल तो उसके मुकाबले। अच्छा आरसी में 55 हॉर्स पावर है। अच्छा वो भी इनलाइन पंप था या रोटरी पंप थे? दोनों विदाउट टर्बो दोनों, इसमें भी टर्बो नहीं है उसमें भी नहीं थी, पर इसका फ्यूल उससे ज़्यादा है। अच्छा रोहित भाई एक बात और बताओ, ये ट्रैक्टर ले लिया आपने तो ये उस टाइम पे जब लिया था आपने किस कीमत में लिया था, और कौन सा मॉडल था? 11 मॉडल है। अच्छा जी 3,42,000 खरीदा था। 3,42,000 का। एक बात और बताओ, रूटावेटर पर जब इसे आप चलाते हो, ये कह दें कि रूटावेटर पर सामे, न्यू हॉलैंड और जॉन डियर, ये रूटावेटर के मर्द कहे जाएं एक तरीके से, तो आप ये बताओ रूटावेटर पर कितना तेल ले लेता? एक लीटर बीघे का। और एक घंटे में कितने बीघे जमीन निकाल दे अगर मोटा सा आइडिया लिया जाए तो? 6.5 मतलब उतनी जमीन निकालता उतने लीटर तेल ले लेता। कभी और ट्रैक्टर चला के देखा इसके अलावा? घर है दूसरा मैसी है। मैसी कौन सा जी? 41-240। अच्छा 200, वो तो बच्चा ट्रैक्टर है घर के। अच्छा उसके और इसके तेल में कुछ अंतर लगता है? जुताई में वो की हो जाता हूँ, खा हो जाता खा ले। अच्छा जुताई पे जाते खा ले। कभी उस रूटावेटर पे चलाया तो कितना ले रूटावेटर पे? वो तो इस टाइम दबाया तो घुमा दे उसमें। फिर भी थोड़ा आइडिया लिया होगा? बहुत ज्यादा 1.5 लीटर भीगे का। अच्छा एक बात और बताओ, उस टाइम वो जमीन कितनी निकालते है? जमीन मैसी। हाँ जब वो 1.5 लीटर तेल लेता है तो उस टाइम चाल इससे तेज है, चाल थोड़ी सी दूसरे के हाई लो में, पहले के लो में। अच्छा एक बात और बताओ, मॉडल कौन सा जी? वो 17 मॉडल है, तो 4 गियर वाला है, ईगल नहीं है। ईगल क्योंकि 19 में आया था। अच्छा एक बात और बताओ रोहित भाई, जब आप इस ट्रैक्टर को टीलर पर चलाते हो और मैसी को चलाते हो, अगर दोनों की टीलर पर कंपेयर करी जा भाई, मैसी को लिफ्ट के मामले में टॉप मानना है ना, और इसमें एक फंक्शन दे रखा लिफ्टोमेटिक,
तो कहीं ऐसा तो ना है लिफ्टोमैटिक लिफ्ट को फेल कर देता हो कि भाई ना मैसी से बढ़िया ये चलाने में लगे ना कोई मैसी नहीं आवा चलाने में टीलर को। हाँ। रूटावेटर न्यू होला है। हाँ। जबकि वो छोटा है इससे। टीलर कितने हाल का है? नौ का। चलो वो तो इसके हिसाब से छोटा, फिर भी मजा उस पर आता है मैसी पे। यो बढ़िया नहीं चलाता टीलर? बढ़िया ना, उसमें जा छोड़ दे ऐड वाली वहीं चलती रहेगी। अच्छा मतलब सेंसिंग बढ़िया है? बढ़िया कंट्रोल उनका इनका हो गया। अच्छा एक बात और बताओ भाई साहब, ट्रॉली पे आपने दोनों ट्रैक्टर चलाए होंगे? ट्रॉली पे बढ़िया। ट्रॉली पे मैं ट्रॉली का। अच्छा ट्रॉली। अच्छा मील का हाड़ा होगा 60 का तो खेत में से निकाल देता है। और मैसी? मैसी मतलब जो ना हो तो निकाल दे, थोड़ा गन्ना निकाल दे, ट्रॉली भर के निकाल दे। अच्छा अच्छा मतलब ऐसा ना है कि इतना कमजोर हो जैसा लोग बाग कह देते हैं। अच्छा दोनों ट्रैक्टरों के मेंटेनेंस को बताओ। मेंटेनेंस तो अपने ऊपर वाले हैं, तो मेंटेनेंस तो कैसे भी रख सकते हो। जैसा आप 17 मॉडल बता रहे हो, ये आपने सेकंड हैंड लिया है तो अभी तक इसमें कुछ कराया हो? ना कुछ नहीं कराया, जैसा लिया था वैसा कुछ नहीं कराया। अच्छा सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती है न्यू हॉलैंड की और मैसी की दोनों की अलग अलग? मैसी की आती है 4000 तक। 4000 रुपये? और कितने घंटे पर कराते हो मैसी की? 300 500 घंटे पे? अच्छा और इसकी न्यू हॉलैंड की? इसकी 500-600। अच्छा वैसे कंपनी दोनों ट्रैक्टरों को जो रिकमेंड करती है वो 300 घंटे करती है कि 300 घंटे से ऊपर तो सर्विस नहीं करानी चाहिए। न्यू हॉलैंड इसकी फार्म ट्रैक की तो 550 घंटे करती है। तो कभी कोई दिक्कत आई हो, फिल्टर चोक हुआ हो जैसे 500 घंटे पर सर्विस करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आती? अच्छा पूरे संतुष्ट हो दोनों ट्रैक्टरों से? अच्छा अगर किसान भाइयों को कोई मैसेज देना हो दोनों ट्रैक्टरों के बारे में कि भाई इसके लिए आप ये वाला ट्रैक्टर लेना, ये वाली चीज करो, तो अपनी मर्जी है, जो मन को भावे वो लेना चाहिए। सीधी सी बात ये है। देखो भाई ऐसे जेन्युइन फीडबैक देने वाले किसान बहुत कम मिलते हैं। रोहित भाई से बात करके बहुत बढ़िया लगा और इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट बताई है ट्रैक्टर के बारे में। कुछ किसान भाई जो है अपने ट्रैक्टर की तारीफ कुछ ज्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने बिल्कुल जो असलियत है वो बताई है ट्रैक्टर के बारे में। तो अब न्यू हॉलैंड की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा स्क्रैपर पर, कैसा परफॉर्म करता है हाई के पहले में और ट्रैक्टर कैसा चल रहे हैं। ठीक है भाइयों पहले में भरोगे? पहले में भर, मैं कह रहा था हाई के पहले में ना। चलो चलो देखो भाइयों हाई के पहले में परफॉर्मेंस देखो ट्रैक्टर की। बहुत मार रहा भाई ये तो टायरों में हवा कम है और हाई के पहले में ही। अभी मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ। देखो भाइयो ये 60-55 है दूसरे के हाई में है ये, और 36-30 पहले के हाई में था। और देख लो रेस नहीं दे रहा भाई बिल्कुल भी। देखो भाइयो 36-30 आ गया दोबारा से, और दिखाता हूँ 36-30 के परफॉर्मेंस दोबारा हाई के पहले में। आरपीएम देखना ट्रैक्टर के कितने ज़्यादा देगा भाई। ये 56-20 लिखवा रखा है, ये 56-36 और 2011 मॉडल है, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है पर काफ़ी मेंटेन कर रखा किसान ने। ये देखो और स्क्रैपर में मट्टी भी देखना, कंपेयर करके बताना 60-55 में जाते थी या इसमें जाते थी। और देखो कितनी हाई तोबा कर रहा ट्रैक्टर, आरपीएम तो ड्रॉप कर ही रहा। स्लिप देखो भाई, बम्पर भी बहुत तगड़ा ट्रैक्टर का, 1.5 क्विंटल का बम्पर है। ये देखो आप कंपेयर करके बताना किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया। ये स्वराज है, दिखाई दिया था पहले वीडियो में मैंने भाई, इसका मंजा देखो आज तक खाली है और कहते ही भर दिया।